तो स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन मैं अभी करने वाला हूँ ये आर से अग्रवाल के एग्जांपल में है और ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है। तो देख लो उसको अच्छे से, अगर हम लोग कर लेंगे तो हमारा पूरा का पूरा जो एनसीईआरटी इस क्वेश्चन से, एनसीईआरटी का क्वेश्चन और आर से अग्रवाल दोनों का काम सॉल्व हो सकता है। तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अ स्वीट सेलर हैज़ 420 काजू बर्फीज एंड 150 बादाम बर्फीज। उसके पास में दो तरह की बर्फी है, एक है काजू बर्फीज और दूसरा है क्या, बादाम बर्फीज। चलो ठीक, उसके बाद बोल रहा है कि ही wants टू स्टक them इन सच अ वे दैट ईच स्टैक हैज द सेम नंबर। बोल रहा है कि उसको इस तरीके से रखना है, जैसे देखो ये ट्रे है हमारा, उस ट्रे में उसको बर्फी को इस तरह से उसको अरेंज करना है कि हर एक स्टैक में सेम नंबर हो, यानी कि अगर इसमें 40 है तो इसमें भी 40, हर एक स्टैक में सेम नंबर ऑफ बर्फीज अटे। पहले तो ये बोल रहा है, और दूसरा बोल रहा है हमें क्या कि एंड दे टेक अप एट लीस्ट एरिया ऑफ द ट्री, और वो क्या हो, ट्रे का कम से कम एरिया जो है वो यूज़ करे ले। चलिए ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी ऑफ दीज कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक। तो बताइए कि हर एक स्टैक में कितने प्लेस्ड होंगे, तो यानी कि हमको यही निकालना है कि एक स्टैक में कितने प्लेस्ड होंगे, कितने बर्फी रखाएगा, पहली बात तो ये निकालना है। दूसरा हमें निकालना है कि हाउ मेनी स्टैक्स आर फॉर्म्ड, कितने सारे स्टैक्स फॉर्म होंगे। देखो ये एक स्टैक हो गया, ये दो हो गया है ना, एक दो मैंने बनाया है, तो इसी तरह से और भी स्टैक्स फॉर्म होंगे, तो टोटल कितने स्टैक्स फॉर्म होंगे ये मुझे बताना है। अब आप समझो स्टूडेंट्स, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए और जिसमें हमें सेम नंबर निकालने के लिए कहें, मैक्सिमम निकालने के लिए कहें या सेम नंबर निकालने के लिए कहें, ऐसे केसेस में आपको SCF निकालना पड़ता है। क्यों निकालना पड़ता है, उसके पीछे भी रीज़न है। देखो मैं आपको सिंपल से एक जो है सॉल्व करवा के बता रहा हूँ। सपोज मान लो कि एक जो है हमारा क्या है कि 4 हमारा काजू बर्फीज है और 10 हमारा क्या है बादाम बर्फीज है। अब इसको मुझे स्टैक करना है, रखना है, तो इसको जब हम रखेंगे ना, तो अब देखो 4 अगर मैं ऐसे रख दूँ काजू बर्फीज, अब इसके पीछे मैं ये 10 लगाऊँ तो एग्जैक्ट वे में नहीं होगा। देखो तो 1, 2, 3, 4 ये बर्फी है, ये दूसरा है, ठीक है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नहीं आ रहा है अरेंज, इस तरह से अरेंज नहीं हो रहा है। तो हम लोग ऐसे कैसे क्या करेंगे, इन दोनों का अगर हम लोग SCF निकाल लेंगे, SCF निकाल लेंगे ना, तो इजी में हमें मालूम चल जाएगा। तो इनका SCF आएगा 2, तो इसका मतलब ये क्लियरली है कि जो 2 आएगा तो 2 हम लोगों को जो है दो ही इसमें अरेंज करने पड़ेंगे। तो देखो 2 आएगा तो ये रहा बर्फी, ये रहा बर्फी, 2 बर्फी, 3 और 4, 4 बर्फी हमारे आ गए। अब उसके बाद जो है हम लोग इसको अरेंज कर देंगे, यानी कि 10 है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो इस तरह से हम लोग उसको अरेंज कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, तो यही तरीका है हमारा, ये वे है इसको सॉल्व करने का। तो अब देखो यहाँ पर कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ये देख लो। तो हमें बोल रहा है क्या कि कितने एक ट्रे में कितने आपको जो है एक लाइन में एक स्टैक्स में टोटल कितने होंगे, तो उसके लिए हमें SCF निकालना पड़ेगा। SCF निकालने के लिए दो मेथड है, आपको जो मेथड अच्छा लगे आप यूज़ कर सकते हो, या तो प्राइम मेथड से यूज़ कर सकते हो या तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से। तो मैं प्राइम मेथड यूज़ कर रहा हूँ अभी, तो यूजिंग द प्राइम मेथड है ना, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जो है पहला क्या है हमारा 420 है, तो चलो 420 ये लिखा मैंने, 420 इसका मैं निकाल रहा हूँ, तो 420 का साइड में निकाल, 420 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 4, 2 कहेंगे 2 यानी कि 210, फिर 2 से करेंगे तो 20 है ना, 2 कहेंगे 2, ठीक है, इसके 0 आ जाएगा, 2 × 5 = 10 यानी कि 105। अगेन जो है अब ये 5 से होगा हमारा, तो 5 से कर लो, तो 5 × 2 = 10, 5 × 5, अब ये 3 से होगा तो 3 × 3 = 7 टाइम्स में। चलिए तो अब यह जो है हमारा क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ कि 2 to the power 2 देन 3 × 5 × 7। चलिए उसके बाद फिर क्या है हमारा, दूसरा है 150 है, तो 150 को मैंने लिखा है और ये फिर 150 का निकालेंगे, तो ये रहा हमारा 150 का, तो ये हो जाएगा 2 से काटेंगे अगर उसको हम, तो 7 × 2 = 14 और 2 × 5 = 10 = 75, 5 से काट दो, अब 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 5, 2 × 25 = 25, ठीक है, देन अगेन 5 से काटेंगे, 5 × 3 = 15, तो ये हो गया हमारा 2
इंटू थ्री इंटू फाइव टू द पावर टू है। चलिए अब जो हम लोग एस सी एफ निकालेंगे तो हमें मालूम है कि एस सी एफ जो होता है वो हम लोग क्या करेंगे, जो लोवेस्ट पावर वाला है उसको जो कॉमन है दोनों में वो लेंगे। तो टू यहाँ पर कॉमन है दोनों में मगर लोवेस्ट पावर ये है, तो टू लिया इंटू थ्री दोनों में है और लोवेस्ट हमारा दोनों लोवेस्ट ही है तो थ्री ले लिया, इंटू फाइव दोनों में है मगर लोवेस्ट ये वाला फाइव है तो ये फाइव ले लिया। तो इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो पाँच थे पंद्रह, पंद्रह दोनों तीस, यानी कि जो एस सी एफ है हमारा वो आ गया थर्टी। तो स्टूडेंट्स ये आ गया है एस सी एफ, यानी कि हमारा एक स्टैक में टोटल थर्टी जो हैं वो बर्फीज आएंगे। तो ये आप लिख देना इंग्लिश में कि इन वन स्टैक्स देयर विल बी कितना, थर्टी बर्फी विल बी देयर, ओके ना, तीस बर्फी आएंगे। अच्छा उसके बाद बोला कि कितने स्टैक्स बनेंगे, नंबर टू में बोला कि हाउ मेनी स्टैक्स आर फॉर्म्ड, कितने स्टैक्स बनेंगे तो वो मैं बता दे रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स नंबर टू में हमें बोल रहा था कि कितने स्टैक्स बनेंगे, हाउ मेनी स्टैक्स आर फॉर्म्ड। तो देखो तो नंबर ऑफ स्टैक्स निकालना है, हमारा एस सी एफ अभी आया है, एच सी एफ कितना आया है हमारा 30 आया है। तो नंबर ऑफ स्टैक्स निकालने के लिए देखो, तो नंबर ऑफ स्टैक्स जो हम लोग निकालेंगे, स्टैक्स जो निकालेंगे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो बर्फी का देखो टोटल जो है काजू बर्फी का वो 420 है, तो 420 डिवाइडेड बाय जो 30 है यानी कि एक लाइन में 30 लग रहा है उसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमें मालूम चल जाएगा टोटल कितने स्टैक्स बनेंगे, है ना। तो इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये उसका आ जाएगा, देन प्लस क्या करेंगे हम लोग जो ये इसका जो स्टैक्स निकलेगा ये वाला स्टैक्स भी ऐड करेंगे, यानी कि 150 जो है हमारा वो और डिवाइड बाय 30। तो इनको जब अपन डिवाइड करेंगे तो ये जीरो से जीरो कैंसिल, और जब इसको काटेंगे अपन तो कितने बार कटेगा, तीन एक खाएंगे तीन, एक इसमें चला गया, तीन चौके बारह, ठीक है 14 ये हो गया, देन ये जीरो जीरो कैंसिल, तीन पंचे पंद्रह, यानी कि जो है हमारा टोटल 14 प्लस 15 यानी कि 19 टोटल स्टैक्स जो बनेंगे स्टूडेंट वो 19 बनेंगे। अब देखो अरेंज कैसे होगा, इसी तरह से अरेंज करेंगे अपन भी। तो देखो 14 है ना, तो ये टोटल 19 बनेगा, तो 19 में से 14 जो होगा वो किसका होगा, काजू का। तो काजू का देखो ये जो है एक लाइन में 30 30 यहाँ आएगा, फिर 30 आएगा, फिर 30 आएगा, तो 30 30 करके 14 जो स्टैक्स हैं वो उसके बनेंगे। देन दो स्टैक्स जो बनेगा हमारा, दो नहीं सॉरी पाँच स्टैक्स, तो पाँच स्टैक्स जो बनेंगे हमारे वो किसके बनेंगे, ये बनेगा आपका इसका बादाम बर्फी का। तो पांच स्टैक यानी 30 30 30 करके पांच स्टैक बनेंगे इसका आपको बादाम बर्फी का। तो टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स जो है हमारा 19 आ जाएगा स्टूडेंट। तो यही हो गया आंसर। तो स्टूडेंट्स हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, रही हयात। तो इंशाल्लाह फिर होगी मुलाकात।